दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ पेबल। आइए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ पेबल को। देखिए, बिल्कुल सेम है रिसीवेबल की तरह है मैनेजमेंट ऑफ पेबल भी। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी हमको तो पढ़ाना है बेटा। आपको हेडिंग डालिएगा फ्रेश पेज पर, मैनेजमेंट ऑफ पेबल, या जैसे उसको आप डेटर मैनेजमेंट कहते हैं, इसको आप क्रेडिटर मैनेजमेंट कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस रिवर्स लगेंगे वो। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। क्रेडिटर, प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू मैनेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम सब लोग जानते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है, क्रेडिटर उस पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्रेडिटर बेटे हमें क्रेडिट में गुड्स की सप्लाई करते हैं और उससे हमको एक फैसिलिटी मिलती है, और वो फैसिलिटी ये होती है कि वो हमको उधार सामान बेच देते हैं और 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, जैसा हमारा सप्लायर कहता है, हमारे बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईसीआई के मॉड्यूल से ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आईसीआई के मॉड्यूल में दो एग्जाम्पल हैं, एक इलस्ट्रेशन 19 और एक इलस्ट्रेशन 20। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। क्या इसमें हमें जो कंप्यूट करना होता है वो आएगा आपके यहाँ कोर्स में, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पेबल्स। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पेबल्स ये आएगा। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 ले रहा हूँ आईसीआई के मॉड्यूल से, पेज नंबर 10.93 पर है। इसमें हमको क्रेडिट टर्म्स दिए हैं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में पढ़ाऊंगा क्वेश्चन। क्रेडिट टर्म्स दिए हैं कुछ ऐसे, 2/10 नेट 30। बेटे मैंने आपको इससे जो पहले टॉपिक कराया है यूनिट 4, जिसको हम रिसीवेबल मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें मैंने इसका मतलब आपको समझाया था। 2/10 नेट 45 का क्या मतलब है? 2 का मतलब है परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। बस इस बार हम डिस्काउंट दे नहीं रहे, ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, क्योंकि क्रेडिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। वो होता है डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट रिसीव है। सबसे पहले बताइए, ये बात समझ में आ रही है? परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव किससे? फ्रॉम क्रेडिटर्स। ये है पीरियड ऑफ अवेलिंग कैश डिस्काउंट बेनिफिट। अगर आपको कैश डिस्काउंट का बेनिफिट चाहिए, आप चाहते हैं कि आप 2% कम पेमेंट करें, तो वो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे। 45 डेज है आपका टोटल क्रेडिट पीरियड जो आपको मिला है, किससे? सप्लायर से। अगर आप 2% का डिस्काउंट नहीं लेना चाहते, तो 45 डेज में पेमेंट करेंगे आप। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है,
मान लीजिए आज की डेट पर ये जीरो डे है, आज इसको हम टुडे कह सकते हैं। आपने कोई क्रेडिट परचेज की 100 रुपीज की, मैं वो एग्जाम्पल का अमाउंट ले रहा हूं जो इलस्ट्रेशन 19 में है। आपने क्रेडिट परचेज की है सप्लायर से, सपोज करो 100 रुपीज की। सप्लायर ऑफर दे रहा है कि 10th डे पर, मतलब इस पीरियड में आप पेमेंट कर दें 100 रुपीज। अगर इस डे तक पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट आपको 98 करनी है, 2 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा 2%। और पेमेंट अगर आप करते हैं 45th डे पर, इस डे पर करते हैं, तो फिर पेमेंट आपको पूरे 100 रुपए की करनी है। यहां कैश डिस्काउंट है एट द रेट 2%, 100 का 2% 2 रुपीज हो गया। यहां पर आपको कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बेटे बताइए अगर ये बात समझ में आ रही हो आपको, तो यहां पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मैं बेटे इसका ये रिजल्ट निकाल सकता हूं ना कि अगर मैं 35 डेज पहले पेमेंट कर दूं तो मुझे आज 98 देने हैं, और अगर मैं 35 दिन बाद करूं पेमेंट तो पूरे 100 रुपए देने। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मैं 10th डे पे ही पेमेंट करूंगा। ऑल दो अगर 9th डे पे पेमेंट करोगे, 8th डे पे पेमेंट करोगे, 7th डे पे पेमेंट करोगे, तब भी 98 करने। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैं 10th डे पे पेमेंट करूंगा, है ना, मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा एज्यूम कर रहा हूं। यानी कि 10th डे पे देता हूं तो 98, और 45th डे पे देता हूं तो पूरे 100। इसका मतलब यह है कि 35 दिन में मुझको 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, यस और नो? यानी कि जो 100 रुपए 35वें दिन पर देने हैं, 35th डे पर देने, 35 दिन के बाद देने, यानी कि 45th डे पर, यहां से यहां के पीरियड की बात कर रहा हूं बेटे, मैं यहां से यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन दोनों के गैप की बात कर रहा हूं। यहां डिस्काउंट अवेलेबल है या नहीं है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 35 दिन का है, 35 डेज का है। तो अगर मैं यहां पेमेंट कर देता हूं तो 98, तो मुझे दो चीजें चेक कर सकता हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, देखने में तो ऐसा लग रहा है 98 पे फायदा है ना, 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, मगर बेटे 35 दिन पहले भी तो पेमेंट करना पड़ रहा है, अर्ली पेमेंट भी तो करना पड़ रहा है ना आपको। अगर ये 98 आप 35 डेज के लिए इन्वेस्ट कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यहां पर अमाउंट कितना हो जाएगा। सपोज करो 35 डेज के लिए आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, 98 रुपीज को, पेमेंट ना करें सप्लायर को, इन्वेस्ट कर दें कहीं पर, और वो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 102 बन जाएगा इस दिन पर, तो 100 रुपए उसमें से दे देना आप अपने सप्लायर को, 2 अपने पास रख लेना, 2 रुपए बच जाएंगे आपके। और तो हमें यह देखना है यहां पेमेंट करने में फायदा है या यहां पेमेंट करने में फायदा है। इसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ पेबल निकालना है, हमें यह देखना है। हमारे 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 2। बस इसी को हमें डिस्कस करना है कि पेमेंट कहां करें, पेमेंट यहां करें या पेमेंट यहां करें। यहां कर देंगे तो यहां करने की जरूरत नहीं है, यहां कर देंगे तो यहां करने की जरूरत नहीं है। अब सोच के देखिए, अगर आप ऐसे समझें कि 2 रुपए का जो हमको बेनिफिट मिल रहा है, हमें यह देखना है कि वो 2 का बेनिफिट लें या ना लें। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बताइए। तो एक काम करते हैं हम, इसका हम एक इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करते हैं कि ये जो 2 रुपए की हम एक तरीके से इनकम अर्न कर रहे हैं, मतलब 98 जो अभी हम पेमेंट कर रहे हैं, उसका हमारा क्या इंटरेस्ट आएगा। मतलब ये भाई हमको 2 रुपए का फायदा हो रहा है ना 98 पर, भाई हम 98 की आज पेमेंट कर दें यहां पर,
तो 2 रुपए की हमको बचत हो रही है ना, तो हम देख लेते हैं हमारी ये कितनी कॉस्ट आ रही है, 2 रुपए 98 का कितने परसेंट है। पेमेंट नहीं करनी है किसको बेटे? पेमेंट तो 98 की करनी है आज के डे पर, मगर 98 की पेमेंट करने से 2 रुपए का फायदा हो रहा है या नहीं, तो हमें यह चेक करना है कि वो 2 रुपए का फायदा 98 रुपीज पर कितने परसेंट बनता है। उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ पेबल्स। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ पेबल्स। अब जरा सुनना बेटे, हम इंप्यूटेड इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करते हैं। इंप्यूटेड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसकी किसी को बाहर वाले को पेमेंट नहीं करनी 2 रुपए की, ये तो हमको फायदा मिल रहा है ना। इसे इंटरेस्ट रेट कह दीजिए या कॉस्ट ऑफ क्या कह दीजिए? पेबल। तो आप बताइए, अगर हमें आज हम 98 ना पे करें तो बताइए 45th डे पर 35 दिन के बाद हमें कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी? 100 रुपीज की। तो मैं कह सकता हूं ना 35 दिन का 2 रुपए हमसे हमारा सप्लायर इंटरेस्ट मांग रहा है। इफ पेमेंट इज मेड अप टू 10th डे, देन पेमेंट इक्वल टू 98 रुपीज और इफ पेमेंट इज मेड ऑन 45th डे, दैट इज आफ्टर 35 डेज, 35 दिन के बाद पेमेंट अगर हम करते हैं, देन पेमेंट विल बी ₹100, है ना। हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड, इसका यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है दैट ₹2 इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट पेमेंट। एम आई राइट? जस्ट लाइक इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 35 डेज। यानी कि अगर आज ना दिए 98 तो 35 दिन के बाद यानी कि 45वें दिन पर 100 देने पड़ेंगे, तो 2 रुपए इंटरेस्ट हो गया ना एक प्रकार का। हाँ जी, तो हमें अगर कॉस्ट ऑफ पेबल निकालना है, आप बताइएगा, अगर हमको बेटे कॉस्ट ऑफ पेबल निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट का रेट फार्मूला लगाएं, कॉस्ट ऑफ पेबल फॉर 35 डेज, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएं अच्छा, इंटरेस्ट भी दो तरह के होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? बेटे आप बताइए, इंटरेस्ट हो गया हमारा 2 रुपए, अगर आज नहीं दोगे, आज देने होते तो 98 देने होते, वो 98 का एक प्रकार से सप्लायर कह रहा है 35 दिन के बाद ले लूंगा मैं तुमसे, मगर 100 रुपए लूंगा, यही तो बोल रहा है। यानी कि 10th डे पे दोगे तो 98, 45th डे पे दोगे 35 दिन के बाद 100 रुपए, तो एक प्रकार से सप्लायर आपको 98 रुपीज का फाइनेंस कर रहा है 2 रुपए के बदले में। सप्लायर कह रहा है ये तो अभी 98 दे दो या बाद में 100 देना, तो कह रहा है 2 रुपए एक्स्ट्रा दे देना मुझको या 2 रुपए अभी कम दे दो, सही है बात या नहीं? तो मैं कह सकता हूं ना इंटरेस्ट अपॉन में पेमेंट, नेट पेमेंट
इंटू में पीरियड, जो इंटरेस्ट दे रहा है सप्लायर, सॉरी हमारी कंपनी, वो 2 रुपए का देना पड़ेगा। अगर आज पेमेंट नहीं करी तो 2 रुपए 45th डे पर ज्यादा देने पड़ेंगे। तो 90-80 रुपए इसका तो फाइनेंस हो रहा है बेटे। जब तक ये बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, आगे पढ़ाने का मुझको फायदा नहीं होगा। 10वें दिन सप्लायर की और हमारी बातचीत हो रही है, वो कह रहा है अभी 98 दे दो। हमने कहा नहीं दिए, तो कह रहे कोई बात नहीं 45वें दिन पर पैसा दे देना 2 रुपया एक्स्ट्रा। तो मैं कह सकता हूं ना आज का 98 मेरा सप्लायर फाइनेंस कर रहा है मुझको, कह रहा है 2 रुपया एक्स्ट्रा दे देना। सपोज करो इसको ऐसे समझो 98 रुपीज का उसने हमको लोन दे दिया है 10वें दिन पर, और लोन पर ये हो गया इंटरेस्ट। तो और कितने दिन का है? अच्छा 2 रुपए का 98, 2 रुपीज अपॉन 98 करो, इंटरेस्ट का रेट आ जाएगा। करो जरा 2 डिवाइड बाई 98। तो बेटे ये तो 35 दिन का आया है ना, ये तो 35 दिन का इंटरेस्ट रेट आया है ना, और हमें इंटरेस्ट का रेट निकालना होता है पर एनम। तो जब, अब सुनना बेटे बहुत ध्यान से, ये 2 डिवाइड बाई 98 इंटू अगर मैं 100 कर दू इसको, तो ये एक इंटरेस्ट का रेट आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। वो इंटरेस्ट का रेट 35 डेज का आएगा। अगर मैं उसे 35 डेज से डिवाइड कर दू तो बताओ ये 1 दिन का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा या नहीं, और 365 से मल्टीप्लाई कर दू तो ये पर एनम का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। बताओ कितना आएगा? इसके आसपास आएगा या नहीं? यानी कि ऑलमोस्ट 21.28% हमारा कॉस्ट ऑफ पेबल हो गया। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, कॉस्ट ऑफ पेबल है, वो 21% है, 21.2328 सिंपल इंटरेस्ट से। अच्छा अगर इसी को हमें करना हो कंपाउंड इंटरेस्ट से, ये तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट से बताया है, अगर इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट से करना हो कैसे करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बेटे? कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट वैल्यू 1+i, यानी कि इंटरेस्ट, या r भी कह सकते कि पावर n, ऐसे ही होता है ना। आज पे करोगे तो कितने पे करने हैं? वो तो हो गया आपकी परसेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट, और भविष्य में 35 दिन बाद पेमेंट करोगे तो कितने पेमेंट करोगे? 100 रुपए। आई का रेट नहीं मालूम कोई बात नहीं, एन मालूम है आपको 35 डिवाइड बाई 365, 35 दिन का इंटरेस्ट रेट। ईयर होता तो वन लगाते, मंथ होता तो 1/12 लगाते, डेज है तो 35/365। इज इट फाइन? इसको इधर ले जाता हूं, 100/98 हो जाएगा, 1+i, आप जानते हो ना, एक तरफ से पावर हटानी हो और दूसरी तरफ लगानी हो तो रिवर्स करके लगा देते हैं पावर। तो ये 100/98 की पावर 365/35 हो जाएगा। तो ये बेटे एक स्कैटर्ड पावर है, डिस्टर्ब पावर, ये सीधी सीधी तो पावर है नहीं, 2, 3, 4 वरना हम कर लेते। इसके लिए आपको फाउंडेशन में एक कैलकुलेटर टेक्निक सिखाई गई है, यहां पर हम यूज करेंगे कैलकुलेटर। सब लोगों को अगर याद ना हो तो इस टेक्निक को प्रॉपर लिख लेना, याद हो ना हो लिख लेना, यहां पे कैलकुलेटर यूज करना है। स्टेप नंबर 1, वापिस यहीं पर आएंगे हम थोड़ी देर बाद। 100/98 है, जब भी ऐसी डिस्टर्ब पावर आ जाए, डिस्टॉर्टेड पावर आ जाए, तो जिसका जिसकी पावर है वो फिगर लो, जिसको हम बेस कहते हैं, बेस ले लो और इसका अंडर रूट कर दो। जरा करो बेटे कैलकुलेटर पे इसका अंडर रूट,
100 डिवाइड बाई 98, पहले 100 डिवाइड बाई 98 करो, सबसे पहले 100 डिवाइड बाई 98 करो बेटे, बताओ कितना आया 100 डिवाइड बाई 98। आगे भी तो बोलो, ऐसे आ रहा है, इसका अंडर रूट कर दो, ये जो अमाउंट आया है इसका अंडर रूट कर दो 12 बार काउंट करके अच्छे से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ वैल्यू आ गई होगी, कर दिया बेटे 12 बार, 100 डिवाइड बाई 98 करो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 बार अंडर रूट का साइन प्रेस करो अपने कैलकुलेटर पर, कुछ नहीं बताओ मुझे आ रहा है ना कुछ बेटे, उसमें से एक बार माइनस वन कर दो, सिर्फ वन टाइम माइनस वन कर दो उसमें से, कर दिया, ये पावर थी ना 365/35, मल्टीप्लाई कर दो 365 से और डिवाइड कर दो 35 से, मल्टीप्लाई करो अपने अमाउंट को 365 से और डिवाइड करो 35 से, कुछ आ जाएगा, इसके अंदर प्लस करो वन, कर दिया। अब पांचवा स्टेप है, लास्ट स्टेप, मल्टीप्लाई का साइन दबाओ, मल्टीप्लाई का साइन एक बार ही दबाना है बस, और इक्वल का, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल 12 बार प्रेस करो, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल कैलकुलेटर पर, बताओ बेटे कितना आया, कितना, बिल्कुल गलत बता रही हो आप, कैलकुलेटर का ढंग से यूज करो, कैलकुलेटर का बेटे ढंग से यूज करो, 1.235 ऐसे कुछ आना चाहिए, आपने गलत बताया बेटा, ढंग से कैलकुलेट करो, बेटे आज ही बताना, कितना बता रहे हैं आप, 1.2345, जब ये पांच स्टेप आप फॉलो कर लोगे, दोबारा बता देता हूं, जिसकी पावर है 100 डिवाइड बाय 98 है, पहले कैलकुलेटर पे 100 डिवाइड बाय 98 कर लो, उसके बाद इक्वल का अंडर रूट का साइन 12 टाइम, एग्जैक्ट 12 टाइम, ना कम ना ज्यादा प्रेस करें, जो फिगर आ जाए कैलकुलेटर पे उसमें से माइनस वन कर दें, फिर मल्टीप्लाई में जो पावर है आपकी, मल्टीप्लाई हमेशा पावर से करें, कोई और पावर होती तो मल्टीप्लाई उससे करना होता, फिर हमेशा प्लस वन करें, उसके बाद जो भी आंसर आ जाए आपके कैलकुलेटर पर, मल्टीप्लाई का साइन और इक्वल का साइन, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम, एग्जैक्ट 12 टाइम, पहले एक बार मल्टीप्लाई, फिर एक बार इक्वल, फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल, ये नहीं कि पहले मल्टीप्लाई प्रेस कर दो फिर इक्वल प्रेस करो, नहीं, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम, कुछ ऐसे फिगर आ रही है ये सब करने के बाद, कितना बताया बेटे आपने, 1.2345, ये इसकी वैल्यू आई है, ये जो डिस्टर्ब पावर थी, इसकी जगह लिख देते हैं, इसको हम वर्किंग नोट में लिखेंगे, इसको क्लियर है,
और अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन बीच में ड्रॉ करके तब कर रहा हूँ। 1 + i = 1.2345। i की वैल्यू निकाल दो, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.2345, और जो पॉइंट में होता है उसको परसेंटेज में ऐसे लिख सकते हैं। बोलो हाँ, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 23.5%। अगर इतना क्लियर हो तो बताओ। अब अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल देखेंगे तो वहां पे कुछ इसी तरीके से दो आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट से और एक बार आपके सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट से क्या दिया हुआ है वो समझा देता हूं, जो आईसीआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेबल आपको समझ में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ पेबल अगर आईसीआई के मॉड्यूल में आप चेक करेंगे तो बेटे ऐसे दिया हुआ है, डी फॉर डिस्काउंट, हंड्रेड माइनस डी इंटू में 365 डेज अपॉन में टी। सिंपल इंटरेस्ट चेक करना ऐसे ही किया था मैंने, 2 100 - 2 98 आएगा, तो 2 / 98 हो जाएगा, इंटू में 365 / 35, ऐसे ही किया था या नहीं? ये सिंपल इंटरेस्ट से था, उन्होंने बोला नहीं सिंपल इंटरेस्ट, बट ये सिंपल इंटरेस्ट ही था। और अगर ये कॉस्ट ऑफ पेबल कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालें तो कैसे दिया हुआ है उन्होंने, बेटे ऐसे दिया हुआ है, 100 / 100 - d या आईसीआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है की पावर 365/t -1। हमने ऐसे ही किया है, कैसे मैं समझाऊं आपको, एग्जाम्पल जो अभी हमने किया, एग्जाम्पल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला 100, ये डी है हमारा 2, तो डिवाइड बाई 98 आ जाएगा, है ना? तो अभी हम ऐसे ही तो कर रहे थे, देखो 100 / 98 की पावर 365/t की पावर 365/ हमारा था 35, और यहां पे हमारा ऐसे था 1 + i। तो जब हमने i की वैल्यू निकाली तो 100 / 98 की पावर 365/35, ये 1 इधर जाके माइनस हो गया। इसको इन्होंने फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है ताकि आपके दिमाग पर कोई जोर ना पड़े। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई है। देखिए अब आईसीआई के मॉड्यूल से एक क्वेश्चन देखें, इलस्ट्रेशन 19 को ही समझाने जा रहा हूं, ऑल्दो मैंने समझा दिया इलस्ट्रेशन 19 मैंने समझा दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट से भी और सिंपल इंटरेस्ट से भी, बट जो आईसीआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है एक बार उसको भी देख लेते हैं। सपोज एबीसी लिमिटेड हैज बीन ऑफर्ड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स मेजर सप्लायर ऑफ 2/10 नेट 45। तो इस 2/10 नेट 45 का तो मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, 2 डिस्काउंट का रेट है, 10 अगर 10 दिन में पेमेंट करें, 45 अगर नहीं लेना चाहते डिस्काउंट तो 45th डे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। हेंस द कंपनी हैज द चॉइस ऑफ पेइंग ₹10 पर ₹100। कंपनी के पास चॉइस है कि ₹10 पे करे पर 100, और टू इन्वेस्ट 98 फॉर एन एडिशनल 35 डेज एंड इवेंचुअली पे द सप्लायर 100 per 100। या तो कंपनी के पास चॉइस है कि वो अभी पेमेंट कर दे या फिर अभी पेमेंट ना करे, 45 डेज के बाद करे। द डिसीजन एज टू वेदर द डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ₹98 फॉर 35 डेज। 35 कहां से आया, 10 और 45 के बीच का गैप। एनालाइज व्हाट शुड द कंपनी डू। अगर हम आईसीआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चलें तो कुछ ऐसे हो जाएगा इलस्ट्रेशन 19 का सॉल्यूशन, पेज नंबर 10.93। हमारा कॉस्ट ऑफ पेबल अभी हमने आपको
कैलकुलेटर ट्रिक भी बता दी है इसकी। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, 100 डिवाइड बाई 98, 365 अपॉन 35 माइनस 1, ये हमने कैलकुलेट किया 23.5% आया अप्रॉक्सीमेटली। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, नाउ एज्यूम जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड कैन इन्वेस्ट। अच्छा आप 100 रुपए मत मानो ना कि 100 रुपए की परचेज की है, सपोज करो 10,000 की परचेज की है। कैश कैन इन्वेस्ट एडिशनल कैश एंड कैन ऑब्टेन रिटर्न, उसको रिटर्न मिल सकती है एट द रेट 25%। मतलब डिस्काउंट ना ले वो और पैसे को इन्वेस्ट कर दे 25% के रेट से, 25% के रेट से इन्वेस्ट कर दे। ये रेट हमने एज्यूम किया है, आप रेट इससे कम भी एज्यूम कर सकते हैं, मतलब जो आपका रेट आया है 23.5 इससे कम भी एज्यूम कर सकते हैं, आंसर अलग आएगा। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एंड इफ ये सब एज्यूम किया हमने, अमाउंट ऑफ इनवाइस यानी कि जो क्रेडिटर का अमाउंट है, जो क्रेडिटर को सप्लायर को पेमेंट करनी है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते समय 100 रुपए माना था, हम यहां पे इसको और समझने के लिए 10,000 रुपए मान रहे हैं। आप 1,00,000 भी मान सकते हैं, आप 50,000 भी मान सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ये आपके हैंड पर है बात। अब देखिएगा भाई, दो ही तो ऑप्शन होंगे, या तो डिस्काउंट आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। पर्टिकुलर्स, अगर आप डिस्काउंट रिजेक्ट कर दें, आप ये कह दें डिस्काउंट नहीं चाहिए, तो आप ये बताओ सप्लायर को कौन से दिन पर पेमेंट करोगे और कितनी करोगे। फोर्टी फिफ्थ डे पर पेमेंट करोगे और पूरे 10,000 की पेमेंट करोगे। और अगर आप कहो कि डिस्काउंट चाहिए तो फिर कितने की पेमेंट करोगे, 2% कम 9,800 रुपीज की। अगर आप 10,000 की पेमेंट करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। पता है क्या अपॉर्चुनिटी है, पूछो क्या अपॉर्चुनिटी है। ये जो 10वें दिन पर आपको 9,800 पेमेंट करने थे, ये ना करके आप बताइए 35 दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं इस पैसे को, अगर ऑफर एक्सेप्ट ना करें तो। आपके पास 9,800 रुपीज है, 10वें दिन आपके पास 9,800 रुपीज है आपके हाथ में, आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी दे दो 9,800 सप्लायर को, या फिर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। आप बताइए सप्लायर को, सप्लायर से हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्या आ रही है, आप बताइए हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, 23.5। और मेरे पास ऑप्शन है, सुनना बहुत ध्यान से, 9,800 रुपीज 10वें दिन मेरे पास है, आप मेरे सप्लायर हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि 9,800 अभी आपको दूं, काम खत्म। दूसरा ऑप्शन है आपको ना दूं, मार्केट में इन्वेस्ट करूं, तो मैं मार्केट में इन्वेस्ट तभी तो करूंगा जब आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो और मार्केट में रिटर्न का रेट ज्यादा हो। मार्केट में रिटर्न मिल रही है मुझे 25% और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है मेरी 23.5%, अगर मोटा मोटा देखूं तो 1.5% की बचत हो रही है नहीं मुझको। तो आप बताइए मुझे आपको पैसे देने चाहिए, सप्लायर को पैसे देने चाहिए, या होल्ड करके पहले मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, वहां से पैसा कमा लूं, आपको पूरे 10,000 दे दूं फिर बाद में। और अगर ये रेट 25% का रेट इससे कम हो, मान लो 20% हो, तो फिर होल्ड करने में इन्वेस्ट करने में फायदा नहीं, अभी चुका दो। बोलो बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं यहां की बात करूं, डिस्काउंट रिफ्यूज कर दूं, तो मुझे रिटर्न होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 9,800 एट द रेट 25% फॉर 35 डेज।
वो इसी ऑप्शन में होगी, इस ऑप्शन में नहीं होगी, रिटर्न जो होगी मुझे इसी ऑप्शन में होगी। 9800 रुपीस में इन्वेस्ट करूं, 25% का रेट है, 35 दिन के, 35 दिन से बताना कितना आएगा, कैलकुलेट करो। 9800 इंटू में 25% इंटू में 35 डिवाइड बाई 365, बताइए कितना आएगा। तो 235 का ये बेनिफिट इस ऑप्शन में मिलेगा मुझको। तो मुझे नेट पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है अपने सप्लायर को, देखो जरा इस ऑप्शन में मेरी नेट कॉस्ट आ रही है ये, और इस ऑप्शन में नेट कॉस्ट आ रही है ये, और मैं ये एज्यूम करता हूं रिटर्न 25% की नहीं है, 20% है, तो ये वाला ऑप्शन अच्छा आएगा। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है नहीं, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं नहीं, अब आप बताना कंक्लूजन। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या डिस्काउंट ना ले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ पेबल देन डू नॉट अवेल कैश डिस्काउंट, सही कह रहा हूं मैं या नहीं बताओ। हमारे एग्जाम्पल में हमने एज्यूम करा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट 25% है और कॉस्ट ऑफ पेबल 23.5 है, तो हमने कहा पैसे मत दो अभी, इन्वेस्ट कर दो, बाद में इसको 10,000 दे देना भाई, 200 रुपए का ही तो नुकसान हुआ ना हमारा, बेटा हमारा 200 का ही तो नुकसान हुआ ना ऑफर एक्सेप्ट ना करके, मगर 235 का फायदा हुआ। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है कॉस्ट ऑफ पेबल से, देन अवेल, समझ में आ रही है बेटे बात, हम एज्यूम कर रहे हैं इसको, हमने एज्यूम किया है 25% और इसकी कैलकुलेशन से आ रहा था 23.5%, अभी जो पीछे कैलकुलेट किया है, और हम एज्यूम कर लें ये आ रहा है मान लो 20%। क्लियर है बेटे अब मेरी बात, चल अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है बेटे वो आप करेंगे, ठीक है। ये था जी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट पेबल, इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे। अब मैं अभी तक क्या क्या पढ़ा चुका हूं वो सुन लो आप, मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, टोटल कॉस्ट, कैश कॉस्ट, न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी, ये बता चुका हूं। कॉस्ट शीट से वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो बता चुका हूं, डबल शिफ्ट हो चुका है अभी तक हमारा, और इसके अलावा हम मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कर चुके हैं, रिसीवेबल और क्रेडिटर मैनेजमेंट कर चुके हैं इस क्लास तक, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है।